પાંત્રીસ દિવસોમાં જ સો કેસો પોઝિટિવ આવી ચૂક્યા છે જે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે મા ન્યૂઝની ટીમે આરોગ્ય વિભાગ સાથે વાત કરતા ડૉક્ટર કુમાર કુર્મીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આરોગ્ય વિભાગ સમયાંતરે કાર્યક્રમો યોજીને પ્રજાને માહિતગાર કરે છે તેમજ જાહેર ખબરો અને મીડિયાના માધ્યમથી પણ જાગૃતિ ફેલાવાય છે તો લોકચર્ચા એવી પણ છે કે જો આઠ આટલા કાર્યક્રમ અને જાહેરાતો થાય છે તો પણ વાયુ વેગે સ્વાઈન ફ્લૂ કચ્છમાં કેમ વધી રહ્યો છે તો આ અંગે શું કહે છે आरोग्य विभाग ना डॉक्टर अरुण कुमार कुर्मी तेज सांबड़िए कैमरामैन राजेश लाड़क साथ स्टोरी बाय दिलीप गज्जर सही सही बोल रहे हैं अभी जो है 99 पेशेंट सिर्फ हमारा जनवरी में ही है कच, कच्छ कच्छ एक भौगोलिक दृष्टिकोण से और खास के जो यहाँ पर पर्यटक है पर्यटक स्थान है उसमें अधिकतर हमारे कच्छ में आवागमन आते ही जाते रहते हैं कच्छ का जो वातावरण है दूसरे ज़िला के वातावरण से फ़र्क है लोग को आना जाना कंटिन्यूस बम्बई हो या अहमदाबाद हो वहाँ से आना जाना ही रहता है इसलिए और कच्छ का जो वेदर का जो समय है इसलिए इसका नाम सीजनल फ्लू पड़ा है सीजनल इसका जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है आ, कोई भी बीमारी के लिए इन्वायरमेंट जरूरी है तो उसके लिए जो है सो इन्वायरमेंट इसको फेवरेबल कंडीशन है ठंडी का भी समय है गर्मी भी लगती है बीच की जो इन्वायरमेंट बना हुआ है और लोग जागरूक जो लोग जो है सो गैदरिंग होते हैं जैसे दोडो का मेला दोड़ो चल रहा है तो उसमें जो है जहाँ गैदरिंग होगा तो ये ट्रांसमिशन एयर बोर्न डिजीज है हवा हवा के द्वारा ये प्रसार होता है किसी के खांसी से होता है तो वो तो हो ही रहा है यहाँ पर क्योंकि ये पर्यटक स्थान है अब हमारे आर खाता क्या कर रहे हैं इसके लिए ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसका मैं जवाब देता हूँ कि आर खाता अभी हमारे जो आई की प्रक्रिया है सबसे पहले माँ आशापुरा न्यूज़ में स्क्रोल हम दिए हैं दसों तालका में उसका न्यूज स्क्रोल जाता है और किस 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 तरह बचाव करना चाहिए अपने को जागरूकता लाना चाहिए ये हमारा चल रहा है रही बात पेम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमारे कच्छ में बाईस लाख बस्ती है उसमें पाँच लाख घर है पाँच छः लाख तो पत्रिका हमने दर एक घर में डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं उसके बाद जहाँ भी मेला लगता है तो वहाँ पर आईसी करवाते हैं जहाँ पर मंदिर मठ है वहाँ पर भीड़ भड़का होता है तो हमारे पी एस के द्वारा उसका आईसी किया जाता है इसके बाद जो है सो मैकिंग प्रचार करते हैं जहाँ पर ग्राम सभा होती है तो वहाँ पर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है ये हमारा आरोग्य खाता का कंटिन्यूस सतत हमारा प्रोग्राम जो है सो चलता ही रहता है ख़ास के जहाँ पॉजिटिव पेशेंट निकला है वहाँ पर उस गांव में पूरे औस... हाउस टू हाउस हौस्ट सर्वे मेरा एम पी डब्ल्यू के घरे घरे जाकर के उसका सर्वे किया जाता है कि कितने को सर्दी उदरस गला में दुखा हुआ है उसके बाद जो है हम आयुर्वेदिक के तरफ से वो कारो पिलाते हैं वो कारो जो बना करके वहाँ पर पिलाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर सप्लाई करते हैं तो ये सब हमारा आईसी का, का काम और सारवार का काम और ख़ास के जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में जो है सिक्योरेटिव ट्रीटमेंट होता है पंद्रह पंद्रह हॉस्पिटल जो है कच्छ में दाखिल करते हैं तो उसका जो है सारवार वेंटिलेटर की व्यवस्था है सबकी व्यवस्था है वहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है तो ये सब प्रक्रिया कुरेटिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव दोनों काम हमारे आरो खाता से चल रहा है हाँ ये ज़रूर है इसमें हम सेवा कर रहे हैं और ये समाज का भी भागीदारी है जनता की भी भागीदारी है इतना जागरूकता करने के बावजूद हम अपने आप में लाइफ स्टाइल नहीं बदले अगर फीवर है सर्दी उधरस है और पर रूमाल नहीं रखे, तो दूसरा कोई आएगा रुमाल रखने के लिए नहीं आएगा तो इसमें सबसे एक कंट्रोल करने के लिए सीजनल फ्लू को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपनी जागरूकता अपनी मनुष्य की जो है हम किस तरह बचाव करें ये अपने आप को समझना पड़ेगा और अगर हम एक साथ मिल के ये कंट्रोल सिर्फ आरोग्य खाता से नहीं होगा वो आपके माध्यम से भी होगा आपके माध्यम से भी आप लिखिए आप बताइए कि भाई इसमें क्या क्या जागरूकता लाना है अगर सर्दी खांसी है तो रुमाल ले भीड़ काम में मत जाओ प, कथा प्रवचन में मत जाओ अपना घर में आए, होम आइसोलेशन रहो छोटे बच्चे को सर्दी उजरस आए तो उसको निसार मत भेजो ये जागरूकता तो अपने को भी लाना पड़ेगा ये रिस्पॉन्सिबल अपने को भी है तो जनता से मैं आपके मीडियम के द्वारा मैं आगाह करता हूँ कि सब कोई जागरूक हो और इस पर हम कंट्रोल कर सके और बीमार नहीं पड़े अपना लाइफ सेविंग करे तो तभी तो हो सकता है घर में लग्न नो शुभ प्रसंग आवे खुशी पर। पान, नो वातावरण घर में लग्न नो प्रसंग लग्न निवाड़ी लाइट मंडप साउंड

આપના શુભ પ્રસંગમાં માત્ર આપને સૂટબૂટમાં આવી જવાનું લક્ઝુરિયસ રૂમ સાથેની તમામ વ્યવસ્થા રિસોર્ટ ફાર્મ વિલાના વિશાળ પાર્ટી પ્લોટમાં ઉજવો રિસોર્ટ ફાર્મ વિલા ભુજોડી રેલવે ક્રોસિંગ પાસે ફોન નંબર નાઇન